हेलो, गुड मॉर्निंग। मैथ्स विद सतीश में हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज, और परसेंटेज का सब टॉपिक है वो है हम लोग रिलेटिव चेंज पढ़ रहे थे, यानी कि सापेक्ष परिवर्तन। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि इनकम के बारे में, आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्राइस, यानी कि मूल्य में। वो किसी की प्राइस हो सकती है कि चाय, चीनी, पेट्रोल वगैरह। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं से रिलेटेड आते हैं कि भाई चीनी का मूल्य आता है, पेट्रोल, चावल, कुछ भी दे देता है, जैसे कि दूध देता है, मिल्क वगैरह। तो इन सब में एक बेसिक सा फॉर्मूला यूज होता है, वो है कि हम लोग देखो कि कोई भी प्राइस होती है वो कंजम्पशन के साथ गुणा होती है, तो हमारे पास जो होता है वो खर्चा होता है, यानी कि एक्सपेंडिचर। कि मूल्य होता है उसका उपभोग करते हैं, और जब उनका गुणा करते हैं तो हम लोगों का टोटल खर्चा आता है। देखो जैसे कि कोई भी 10, मतलब 1 किलो है, हम लोगों ने कितना किया उपभोग, 1 किलो, उसका मूल्य कितना है, 10 रुपये किलो पर केजी। तो कितना होगा, 1 किलो किया है, मान लो इसको 10 किलो किया है, तो कितना होगा, 10 गुना 10 100। हमें खर्चा कितना करना पड़ा, 100 रुपये। तो ये फॉर्मूला बेसिक सा है जो हम लोग इसमें यूज करेंगे प्राइस वाले क्वेश्चंस में, रिलेटिव चेंज में। हमें कुछ नहीं, एक ही चीज याद रखनी है कि भाई P इंटू C इक्वल्स टू E, यानी कि मूल्य इंटू उपभोग बराबर खर्चा। ये हमें याद रखना है, बस इसी पे बेस्ड आज आज के जो क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड है। क्वेश्चन देखो, पूछेगा शुगर, चीनी, इसकी जो प्राइस है, कीमत, वो कितनी बढ़ गई, 20% से बढ़ गई। हम लोगों ने जो कल कॉन्सेप्ट सीखा था ओल्ड और नई न्यू वाला, कि भाई पुरानी और नया वाला, वो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखो कैसे, अब वो कह रहा है कि इसका कंजप्शन को यूज कहते हैं, यानी कि यूज उपभोग, सी कह लो, कंजप्शन कह लो, कितना प्रतिशत कम करें, कि भाई जो खर्चा हो भाई इसको कितना परसेंट कम करें, अगर कि इसकी प्राइस बढ़ गई है तो इसे कितना कम करें कि भाई खर्चा उतना ही रहे, कॉन्स्टेंट रहे, नियत रहे। मतलब कि कल भी हमें 100 रुपये खर्च करने पड़ रहे थे और आज भी हमें 100 रुपये खर्च करने पड़ रहे हो, भलाई वो प्राइस उसकी बढ़े चाहे घटे। तो हमें या तो सीधा सा पता है कि हमें उसे कम करना ही पड़ेगा तभी वो कॉन्स्टेंट रहेगा। तो इसे कैसे करेंगे सॉल्व, वही कल वाला मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे। देखो, प्राइस को हम लोग पी लिखेंगे, कंजप्शन को सी, उपभोग को हम लोग सी लिखेंगे, और एक खर्चे को ई। ये हमारे पास ओल्ड वैल्यू हो गई, ये न्यू, मतलब जो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू। क्या है, 20% बढ़ गई, मतलब 1/4 से 5 से बढ़ गई, ठीक है ना। 20% की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 1/5 होती है। बीस परसेंट से बढ़ गई, तो हम लोगों ने उसको उपभोग को कम कर दिया, ठीक है। तो यहाँ कितना बढ़ेगा, 5, 5 से 1 ज्यादा बढ़ेगा, 5 से 1 ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। हमारी ओल्ड वैल्यू कितनी आएगी, 5, इसमें कितना बढ़ेगा, 1, ठीक है, प्राइस में यानी कि मूल्य में, ठीक है, मूल्य में कितना बढ़ गया, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 1 बढ़ेगा, और 1 बढ़ के कितनी वैल्यू आएगी, 6, ये हमारा मूल्य में वैल्यू आ गई।
अब हमें कह रहा है कि भाई उसका उपभोग कितना परसेंट कम करें, तो हमें इसके बारे में पता नहीं है कि भाई जो ये है वो मतलब खर्चा हमारा कांस्टेंट रहे, नियत रहे एकदम, वो का वही रहे, हमें कोई परिवर्तन न करें। तो हमें ये वैल्यू याद नहीं है, पता नहीं है, और एक ये वैल्यू पता नहीं है। तो इन इसे कांस्टेंट रखने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद ई आता है, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर वही टर्म आनी चाहिए, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर वही आनी चाहिए, दोनों सेम आनी चाहिए, मतलब पुराने भी मतलब उतने ही आने चाहिए पैसे, और नए भी उतने ही आने चाहिए। मान लीजिए, तो इससे कुछ नहीं, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई में लिखना पड़ेगा, मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, जो यहाँ पे 6 दे रखा है उसे यहाँ लिख दो, और जो 5 दे रखा है उसे यहाँ लिख दो, ठीक है। मतलब इससे वो करने से क्या होगा, देखो 5 × 6 = 30, कल भी 30 था, और 6 × 5 आज भी 30 आएगा, मतलब कांस्टेंट हो गया ना, मतलब कि कल भी हम लोग 30 रुपये खर्च कर रहे थे, आज भी हम लोग 30 रुपये खर्च कर रहे हैं, पुराना खर्चा भी 30 रुपये, आज का खर्चा भी 30 रुपये। तो हम लोग बात करेंगे छः कंजप्शन, उपभोग से बात करेंगे। तो उपभोग कितना आया वो देखो, 6 और 5, कंजप्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, बोल रहा है कि कितना परसेंट कम करें। तो ये हमारा ओल्ड था, ये नया नया उपभोग है, कितना कम किया हम लोगों ने, 1 कम किया, कहाँ से कम किया हम लोगों ने, पुरानी वैल्यू से कम किया, मतलब 1 कम किया कहाँ से, 6 से, तो हमें कितना परसेंट हुआ, 16.66% कम। तो हमारा आंसर क्या होगा कि हमें उस यूज को कितना परसेंट कम करना पड़ेगा, 16.66% कम करना पड़ेगा, ठीक है। तभी हमारा जो खर्चा होगा वो नियत रहेगा, मतलब पुरानी वैल्यू भी नियत कांस्टेंट रहेगी, और नई वैल्यू भी वही रहेगी। एग्जांपल और समझते हैं, देखो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आपके पास किसी और की प्राइस ले लेते हैं, जैसे ले देख लो पेट्रोल, इसकी प्राइस कीमत कितनी बढ़ी, 33.33% बढ़ गई, ठीक है। हमसे बोला है कि इसका यूज हम लोग उपभोग, यूज हम मतलब उपभोग, ठीक है, उसी को हम लोग कंजप्शन कहते हैं, सी, कि उस यूज को हम लोग कितना कम करें, कितना प्रतिशत कम करें, कि भाई जो खर्चा है वो नियत रहे, कांस्टेंट रहे, मतलब जो पुराना खर्चा था और आज का खर्चा है कांस्टेंट रहे, मतलब जेब से एक्स्ट्रा पैसा नहीं देने हो उतने, जो मतलब हमारा जो बिल था पहले भी और आज भी जो बिल है वो एक जैसा ही रहे। उसके लिए हमें पेट्रोल के प्राइस को बढ़ने के बाद भी उसके जो यूज है हम लोगों को कम करना पड़ेगा, तभी वो कांस्टेंट रहेगी उसका जो खर्चा होगा, ठीक है। अभी से देखो कि प्राइस हो गई, ये हमारा कंजप्शन हो गया, उपभोग हो गया, मूल्य उपभोग, ये हमारा खर्चा आ गया, ये हमारे पास ओल्ड वैल्यू है पुरानी, ये हमारे पास नहीं है। अब 33 ये हम लोग जानते हैं बढ़ गया, मतलब 1/3 से बढ़ गया, ठीक है, 1/3 से बढ़ गया, मतलब बेस वैल्यू में कितने जुड़ेगा आपके पास, 1। तो हमारे पास प्राइस कितनी है, पहले 3 थी, आज कितनी हो गई, 1 बढ़ के 4 हो गई। कंजप्शन का हमें पता नहीं है, लेकिन हमें क्या पता है कि भाई खर्चा हमें नियत रखना है। तो हम नियत रखने के लिए क्या करेंगे, इस 4 को यहाँ लिख देंगे, इस 3 को यहाँ लिख देंगे, ठीक है। उससे क्या होगा कि 4 × 3 = 12, यहाँ पे भी 12 आएगा और यहाँ पे भी 12 आएगा, मतलब हमारा बिल तो वही का वही रहा, भाई हमारा बिल 12 रुपये था और आज भी 12 रुपये ही है खर्चा हमारा, तो खर्चा हमारा नियत हो गया ना, यानी कि कांस्टेंट हो गया।
तो हम लोग सिर्फ बात करेंगे, हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर है, पूछा क्या है हमारा, कितना परसेंट कम करें। तो हमारा एक कंजप्शन है, उपभोग क्या था, 4, भाई ओल्ड जो हमारा उपभोग है और नया वाला, कि हम लोग पहले उपभोग कितना करते थे, 4 करते थे, और आज कितना कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं। तो कितना कम है, कितना कम करें, कितना कम है, 1 कम है। कहाँ से कम है, पुराने वाले से, तो 1 कम है कहाँ से, पुराने वाले से, सॉरी पुराने वाला 4 है हमारा, ठीक है ना। तो 1/4 कितना होता है हमारा, 25%। तो हम लोग कह देंगे कि हमें जो उपभोग है वो 25% से कम करना पड़ेगा, तभी हमारा जो खर्चा है वो नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा एकदम, ठीक है। ये मतलब क्वेश्चन इसी तरह देगा, या तो पेट्रोल की देगा, चीनी वगैरह, शुगर, क्वेश्चंस में इस तरह से आएंगे क्वेश्चन, चावल हो गया, मिल्क हो गया, जो पिछले पेपर है वो उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं। अब जैसे देखो वो दे देगा हमें प्राइस, देगा आपके पास जैसे कि चावल की दे देगा, कोई चावल की जो 40% से बढ़ गई, कीमत है चावल की 40% से बढ़ गई, तो इसको कम कैसे, मतलब किसका जो यूज है, हम लोग उपभोग, उपभोग मतलब जो हम लोग उसे यूज करते हैं, कितना उपभोग करें उसे, कितना कम करें। भाई अगर एक चीज़ बढ़ी है तभी तो, अगर इसको बढ़ा, ये बढ़ी है, ये कम होगा तभी तो ये कांस्टेंट रहेगा, तो इसे कम करना पड़ेगा। कितना कम करें वो हमसे पूछा है, जिससे कि खर्चा हमारा नियत रहे, बस ये गिवन है, कांस्टेंट रहे, ठीक है। वापस देखो हम लोग टेबल से देखते हैं, ये हमारे पास ओल्ड वैल्यू है, ये हमारे पास न्यू है। पहले प्राइस कितनी थी, 40%, मतलब 40/100 मतलब 2/5, ठीक है। 40% से बढ़ गई, मतलब अब की बार 5 में कितना बढ़ेगा, 2। तो पहले वैल्यू कितनी थी, 5 रुपये मान लो, और अब 2 बढ़ गया, कितना बढ़ा, 2 बढ़ गया, तो 2 बढ़ गया कितना आ गया, 7 आ गया। अब हमें ये पता नहीं है कंजप्शन, ठीक है, कंजप्शन पता नहीं है, और हमें ये कांस्टेंट रखना है, नियत रखना है ई खर्चा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस 7 को यहाँ लिख दो, इस 5 को यहाँ लिख दो, उससे क्या होगा हमारा, ये हम लोगों ने 7 लिख दिया, ये 5 यहाँ लिख दिया, जब दोनों को गुणा करेंगे तो एक ही वैल्यू आएगी, यानी कि 35 35, मतलब हो गया ना खर्चा बराबर 35 रुपये, आज भी 35 रुपये, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे सिर्फ, हम लोगों ने उपभोग है, हमारा क्वेश्चन यहीं से सॉल्व होगा। पहले हम कितना कर रहे थे, ये हमारे पास ओल्ड वैल्यू आ गई, ये हमारे पास न्यू वैल्यू आ गई 5, तो हम लोग पहले कितना कर रहे थे, 7, आज कितना कर रहे हैं, 5, तो कितना कम हुआ, 2, ठीक है ना। तो 2 कहाँ से कम हुआ, 7 से, पुराने से ही कम होगा ना हमेशा वैल्यू, हम लोग पहले कितना कर रहे थे, 7, अब 2 कम कर रहे हैं 7 से, तो ये जो वैल्यू है हमारा कितना हुआ, हम लोगों ने पढ़ा है 1/7 कितना होता है, 14.28, और 2/7 कितना होगा, 28.56%। और यहाँ पे कम करना है हमें, मतलब ये कम हो रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि भाई हम लोग जो उसका यूज़ है चावल का, वो 28.56% से कम करेंगे, तभी हमारा जो बिल होगा, खर्चा होगा महीने का, वो कांस्टेंट रहेगा, अगर प्राइस उसकी 40% से बढ़ गई है। ये हम लोगों ने 40% को इस तरह से सॉल्व किया। अगर हम लोग 100 मान के करेंगे तो उसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जैसे 100 है, 100 में कितना बढ़ेगा, 40%, मतलब 140 हो जाएगा, उसको काटेंगे तो वो ये आएगा, कट कटा के, ये 5 है, ये 7 है, ठीक है ना। मैंने भी यही कहा कि भाई 5 है, उसमें 2 जुड़ गया तो 7 आ गया, ये 5 है, आज 2 जुड़ गया तो 7 हो गया खर्च। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये सारे कंजप्शन के बेस्ड हैं, उपभोग रिलेटिव चेंज कैसे आ रहा है, देखो
प्राइस में चेंज बढ़ रहा है, वो बढ़ गई। कंजप्शन में कितना कम करना है जिससे कि ये कांस्टेंट आ जाए। कभी हमसे ये बोलेगा कि भाई ये बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है, प्राइस कम हो रही है, तो कंजप्शन कितना हुआ, उस पर क्या प्रभाव पड़ा, ये ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो कि जैसे कि वापस ले लेते हैं हम लोग चावल, कि भाई चावल की जो है प्राइस है वो कितने बढ़ गई, 40% से, 40 नहीं 20% से बढ़ गई। ठीक है, आपके पास आ रहा है कि कुछ यूज़ है ना वो 10% से कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, जो चावल है उसका जो उपभोग है वो 10% से कम हो रहा है। आपके बार हमसे खर्चा पूछ लिया, भाई खर्चे पे क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, खर्चा पूछ लिया। यूज हमें मेथड वो यूज करना है बस, खाली हमें ये वाली दोनों की वैल्यू गिवन है आपके पास। तो देखो ये हमारे पास ओल्ड वैल्यू है, ये न्यू वैल्यू है, ये हमारे पास प्राइस आ गई, ये कंजप्शन आ गया, ये हमारे पास मूल्य और ये हमारा खर्चा। ठीक है, प्राइस हमारा कितना 20% बढ़ गई, मतलब 20% मतलब 1/5, 1/5 से बढ़ गई, मतलब 5 में कितना जुड़ेगा आपके पास, 1, तो ये 5 है, इसमें कितना जुड़ेगा 1, तो ये आ जाएगा 6। और कंजप्शन में कितना हुआ, कम होगी 10%, 10% मतलब 1/10, 1/10 कम होगी, मतलब 10 से अब कितना कम होगा, 1 कम होगा, मतलब 10 था, कितना कम हुआ, 1 कम हुआ, तो कितना आ गया, 9। ठीक है, ये समझ में आ गया ना, छोटा सा मेथड, ये हम लोगों ने याद किया है हमारे पहले या दूसरे लेक्चर में जो हम लोगों ने पढ़े थे इंपॉर्टेंट रेशियोज। अब बोल रहा है कि खर्चे पे क्या प्रभाव पड़ा, वो देखो। अब जब हम दोनों इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारे पास एक्सपेंडिचर आएगा, तो मल्टीप्लाई करो इन्हें, कितना आया, 5, 10, 50, ये 54, देखो बढ़ गया, 4 बढ़ गया, ठीक है ना, 4 ज़्यादा आ गया, मतलब पहले कितने आ रहे थे, 50 रुपये मान लो, और अब की बार कितने आ रहे हैं, 54 रुपये। कैसे आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, कि जब उस चावल की कीमत कितनी बढ़ गई, 40% बढ़ गई, और हम लोगों ने उसका जो यूज़ है, हम लोगों ने उसको मतलब उपभोग करना कितना कम कर दिया, 10% कम करना कर दिया, तो हमारे जो खर्चा है उस पर क्या प्रभाव पड़ा। देखो पहले हमारा खर्चा कितना था, 50 रुपये, आज कितना खर्चा कितना हो रहा है, 54 रुपये, मतलब 4 रुपये बढ़ गया। और ये 4 रुपये कहाँ से बढ़ा, ये 4 रुपये कहाँ से बढ़ा, 50 से, ठीक है ना, लेकिन हमें इसे परसेंट में निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 2, 8%। हमारा आंसर क्या आएगा, कि भाई हमारा जो खर्चा है वो कितना बढ़ गया, 8% से बढ़ गया, कितना हो गया, खर्चा 8% से बढ़ गया, ठीक है ना। ये तब था, तब हमें प्राइस और यूज मतलब पी और सी की वैल्यू दे रखी है, और ई पूछ लेता है हमसे। एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग, इसी पे बेस्ड एक और है। जैसे कि कोई किसी की मूल्य दे रखा होता है, कि मान लो कि कोई बिजनेस वगैरह होता है उस पर बेस्ड कैसे होता है, उसमें भी एक ही कॉन्सेप्ट लगता है कि प्राइस होती है इनटू क्वांटिटी, तो वो बिजनेस होता है, यानी कि मूल्य इनटू क्वांटिटी मतलब संख्या, जो भी कितना यूज कर रहे हैं हम लोग उसको, और वो व्यापार, व्यापार के बराबर होगा। ठीक है, क्वांटिटी संख्या ले लो, या चाहे कोई भी बिक्री हो, किसी चीज की बिक्री होती है, ये बिजनेस वगैरह में, व्यापार वगैरह उन पर बेस्ड क्वेश्चन आता है। देखो कैसे आता है, मान लो
एसी है, मतलब जो एसी होता है उसकी जो प्राइस है कीमतों में कितने परसेंट बढ़ोतरी होगी, मतलब जैसे गर्मी आती है या तो बढ़ जाता है या घट जाता है। देखो 30% कम हो गई, मतलब एसी की प्राइस में एसी के मूल्य में 30% कम हो गया, ठीक है। और जब जैसे उसकी वैल्यू कम होगी तो उसकी जो बिक्री है वो बढ़ जाएगी, क्वांटिटी। ठीक है ना, एसी के जो दाम हो गए, एसी हो गया चाहे कूलर हो गया, जैसे कि गर्मियों में कम हो जाता है, तो जैसे कम होता है रेट, कम होती है तो उसको लोग ज़्यादा खरीदने लग जाते हैं, तो क्वांटिटी मतलब उसकी जो बिक्री होगी वो बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ गई, 20% बढ़ गई, 20% बढ़ गई, तो उससे व्यापार पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, व्यापार पर प्रभाव, ठीक है, कि भाई व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कि भाई उस व्यापारी को क्या फायदा होगा या क्या नुकसान होगा, वो देखो। सेम वही कॉन्सेप्ट है, बस खाली यहाँ पे एक प्राइस दे देगा और भाई बिक्री दे देगा और व्यापार व्यापार दे देगा। क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करना है, वही मेथड अप्लाई करना है। देखो पी क्यू और हमारे पास क्या दे रखा है, व्यापार मूल्य बिक्री, व्यापार, ठीक है। 30% से बढ़ गया मतलब 10 से 13 हो गया, ठीक है ना। 30% मतलब 3/10, और ये बढ़ गया मतलब आपके पास 10 में कितना जुड़ेगा, 3, तो 10 में कितना जुड़ गया, 3, मतलब 13 हो गया, 10 में 13, 3 जुड़ गया। बिक्री देखो, बिक्री कितनी बढ़ गई, यहाँ पे घट गई, सॉरी प्राइस घट गई है, प्राइस घट गई है, मैंने बढ़ा दिया एक्चुअल में, वो बढ़ गया था, क्वांटिटी में बढ़ी है, तो यहाँ पे कम होगा, तब के बाद कितना कम होगा, 10 से 3 कम होगा, तो ये होगा 7। हमारी जो क्वांटिटी बिक्री है वो 20% बढ़ गई, 20% कितना होता है, 1/5, 1/5 से बढ़ गया, तब के बाद क्वांटिटी कितनी, बिक्री कितनी, 5, इसमें कितना बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा, मतलब ये हमें मैंने बताया ऊपर वाली जो वैल्यू की वो तो बढ़ोतरी होती है, इंक्रीज होगा या फिर रिजल्टेंट वैल्यू वो आएगी हमेशा, तो ये कहता है बढ़ के जब आता है तो यह 6/5 आता है, मतलब ये परिणाम ही आता है ऊपर वाला, 5 से 1/2 मतलब 6 हो गया। अब जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास व्यापार आएगा, मल्टीप्लाई करो कितना हो गया, 50, ये कितना हो गया, 42, देखो कितना इफेक्ट आ गया, 50 से 42 हो गया, कितना कम है, 8 कम है, कहाँ से कम है, पुरानी से, मतलब 50 से, मतलब 8 कम है 50 से, इसे परसेंटेज में निकाल लो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 से कटा, मतलब 16%। व्यापार कितना हो गया, पहले 50 रुपये में व्यापारी को कितने आ रहा था प्रॉफिट, कितना हो रहा था 50 रुपये का, अब व्यापारी को प्रॉफिट कितना हो रहा है, 42 का, मतलब कम हो रहा है मतलब, लेकिन उसे परसेंटेज में बताना है तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा भाई कितना, 8 कम है कहाँ से, 50 से। अब यहाँ पे सीधा सीधा नहीं लेकर आ सकते, मतलब उसे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, और ये है 16%, तो क्या कहेंगे हम लोग कि उस व्यापारी को या व्यापार में कितने परसेंट की कमी आई, 16% की कमी आई, क्या प्रभाव पड़ा, 16% का प्रभाव पड़ा, कमी आई, ठीक है। तो ये थे, इस तरह के क्वेश्चंस थे मूल्य के ऊपर, प्राइस वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, भाई की कीमतों में बढ़ोतरी हुई या फिर कमी हुई तो उससे रिलेटिव चेंज किस तरह से आता है वो है। ये हमारा इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि इनकम के ऊपर, इनकम में जो रिलेटिव चेंज आता है वह वो कैसे आता है। जो हम लोग अगले वाले लेक्चर में पढ़ने वाले वो है एरिया, जैसे कि आयतन हुआ, एरिया हुआ, वॉल्यूम वगैरह, वो देखते हैं हम लोग अगले वाले लेक्चर में। तो इस क्लास में बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।